बिहार की राजधानी पटना में लाखों लोग जल जमाव से पिछले 5-6 दिनों से परेशान हैं, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक बार भी लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचे। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो चुनाव के वक्त पटना के गलियारों में घूम घूम कर वोट मांगते हैं, लेकिन जब पटना के लोग, बिहार की जनता परेशान है भारी जल जमाव से, तो तेजस्वी अचानक गुम है। कहां गए तेजस्वी, किसी को नहीं पता। तेजस्वी अभी तक बिहार की जनता की सुध लेने नहीं पहुंचे, तो हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी कहां हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता भी उनकी हर त्रासदी की स्थिति में गायब रहने की आदत से परेशान है और वो लोगों के सवालों पर किनारा करते दिखे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के बारे में बृहस्पतिवार को उनके जीजाजी चिरंजीवी राव ने एक ट्वीट में बताया कि वो उनके नामांकन में उनके साथ हैं। उन्होंने साथ में नामांकन जमा करते हुए उनका फोटो भी ट्वीट किया। आपको बता दें कि चिरंजीवी राव ने हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है, यानी कि तेजस्वी यादव आजकल बिहार से दूर हरियाणा के रेवाड़ी में अपने जीजाजी के साथ है। अरे तेजस्वी यादव जी, कभी बिहार की जनता की सुध लेने तो पहुंचे। ये वही जनता है जो आपको वोट देकर कभी आपको सत्ता में लाती है और कभी प्यार ना जताने पर ये वही जनता है जो आपको सत्ता से सीधा नीचे ले आती है। तो जब जनता को जरूरत है तो जाकर सुध जरूर लें। लेकिन तेजस्वी जो हैं वो बिहार से गायब हरियाणा में बैठे हैं अपने जीजाजी के साथ।